आपके भाई ने अभी भी डिस्कवर किया कि आपका भाई बर्तन बहुत अच्छे धोता है, वो पैकिंग कर रही है। मैंने सोचा मैं जरा बर्तन धो लेता हूँ। कपड़े धुल गए और आप अभी आए माशाल्लाह। ये साइज नहीं समझ आ रहा किस साइज का लें, क्या सो गुड यार, नॉट इवन रिप्लाइंग। आर यू गोना बी सैड टू बी लीविंग दीस डोनट्स? इसकी खुशी यार, मुस्लिम शावर। अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारा लास्ट दिन है ओल्डम में और आज हम जा रहे हैं लिंकनशायर में, एक छोटी सी जगह स्कंथॉप, तो हमें वहाँ पे जाना है। वो इसलिए क्योंकि हमारा जो सामान है हमारे पास वो बहुत ज़्यादा है। अगर इस टाइम मैं आपको कमरे का हाल दिखा दूँ तो आप बोलेंगे कितने गंदे लोग हैं, लेकिन हमारा कसूर नहीं क्योंकि हमारा कमरा ऑलरेडी बहुत छोटा है और हमारा सामान बहुत ज़्यादा है। तो आज बेसिकली है लास्ट डे, जाएँगे हम ऑलमोस्ट शाम को रात को, लेकिन हमारे पास कुछ करने का टाइम ही नहीं है क्योंकि ये सारा टाइम तो इसको समेटने में निकल जाएगा, इसको ठीक करने में निकल जाएगा और पैकिंग वोकिंग में निकल जाएगा। तो ये मैं जितना समेट सकता था मैंने समेट लिया। वहाँ पे आप देख सकते हैं जी, लिटरली कुछ भी नहीं किया मैंने, बहुत कुछ किया है, कुछ भी नहीं किया। डू नॉट फ्लेक्स इट। ये कचरे का बैग अभी मैं समेट रहा था। सो बेसिकली यार बहुत छोटे कमरे हैं यार। कमरों का साइज देखता हूँ ना तो पाकिस्तान बड़ा याद आता कि यार बड़े कमरे, मतलब कम से कम एक एक जगह एक फीलिंग आती है। जी क्या कह रही है? सूटकेस बन गया यार, ये ना नहीं है, डब्बे से निकाल के रख देते हैं, स्पेस ज्यादा बनेगी। नहीं नहीं, वो फिस जाएंगे, वी शेप हो जाएंगे, पैसे जाएंगे। ये लेके जानी है? प्रोटीन बार्स भी छोड़ के जाएंगे हम भला। प्रोटीन बार्स तो नहीं है, देयर लाइक एनर्जी बार्स। ये नहीं फिसेंगी तो ये तो फिस भी जाए तो ये इससे उनकी फंक्शनेबिलिटी थोड़ी इफेक्ट होगी। नेस्प्रेसो के पॉट फिस गए तो वो चलेंगे नहीं। हाँ ट्रू। अगर आपके भाई ने अभी भी डिस्कवर किया कि आपका भाई बर्तन बहुत अच्छे धोता है तो हमने सोचा रोल्स रिवाइड कर लें। वो पैकिंग कर रही है, मैंने सोचा मैं जरा बर्तन धो लेता हूँ। तो ये प्लेटें प्लेटें हैं, ये लास्ट लास्ट मग शक। एक तो यार मजाल है कि गंदे करने के बाद बर्तन ये कम से कम पानी के नीचे रख दें, ऐसे चिब्बड़ हुए हैं, उनको साफ करना है आजाद। तो यार एक तो ये छोटी सी सिंक है, इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा मुश्किल काम देना, ऐसा कुछ नहीं है। कह रही है पहली दफा तुमने काम किया, सबको ही पता होगा। मैं तो सोच रहा हूँ पेपर प्लेट ले लेते हैं, तो आपने यार पेपर प्लेट ही रखी है। हाँ वहाँ पे नहीं, हमने ये नॉर्मल बर्तन यूज करने हैं। कौन बार बार पेपर कप्स नहीं बल्कि ग्लास, ठीक है तो खूब करें आराम, आराम का है नाम। सुप्रीम फो। मैंने बर्तन जितना सारे धो लिए, अब कॉफी और फिर हमें जाना है टाउन वॉट टाउन स्क्वायर अंकल के डोनट्स खाने और एक सूट के सुनने, क्योंकि हर दफ़ा हमारा सूटकेस थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है, सामान कुछ ज़्यादा है। ये एक अदद एयर फ्रायर है, कॉफ़ी मशीन है जो हाथ में उठा के लेके जानी है, हमें ट्रेन पे जाना है एंड ये इजी नहीं होगा। अभी हम जरा बाहर जा रहे हैं लेकिन नीचे जाते हुए मुझे जरा व्यू मिला। हमारे कपड़े धुल गए और आप अभी आए माशाल्लाह। पूरे दो चक्कर खा लिए लॉन्ड्री में। चलो चले। I'm gonna go get a coffee. You want one? Why are you getting coffee from outside? Because there's no ice at home. And I need an ice. You're really spoiled, honey. You're a spoiled child. I need an iced coffee. You want an iced coffee? No, no. Guys, Ali ko yahan se baithe baithe na. Oh, donuts nazar aa rahe hain. Aapko pink cart nazar aa rahe hain. Wo nazar aa raha hai Ali ko yahi se. Ali is like a kid. Best donuts in the world. And Ali is like, मैं जाऊंगा नहीं जब तक तुम मुझे वो खिलाओगे। यार देखें हमारे यहाँ पे ना ओल्डम में लास्ट डे है, लेकिन एक तो मैंने नोटिस किया एंड मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा यार। देखो आई फील ओल्डम के लोग आर द ओज, मतलब इतने चाहने वाले प्यार करने वाले ओल्डम में थे। एंड दूसरा सबसे ज़्यादा यहाँ पे मुझे रोक के रखने की वजह थी वो डोनट वाले अंकल। एक तो वो क्यूट इतने हैं यार, हाँ सीरियसली यार, और वो ऐसे रूई जैसे डोनट्स हैं। रूई जैसी तो कॉटन कैंडी भी होती है, वो खा लो। तो कॉटन कैंडी ही है? नहीं कॉटन कैंडी मजे की नहीं होती, डोनट मजे की है। बट वो डोनट कॉटन कैंडी टाइप है। अब मैं तुम्हें कॉटन कैंडी दिलाऊं। ओके गाइस, ये होता है शरबत और वो गोरा भी देख के ना सीरियसली इसको वो हो गया था। क्या हो गया था? ओ आनिया आर द सेम राइट? या बस माइन डजंट हैव क्रीम। हम घर पे भी डालते थे। तुम चुप हो जाओ यार, तुम अजीब अपनी करवे। ये शरबत है करवे, रियली नाइस यार। शरबत अपना गैस, ये ना आइसक्रीम शेक होता है, ये कॉफी नहीं होती। हर कोई तुम्हारी तरह अगर करवा अपना गला फाड़ना नहीं चाहता तो नहीं है। इट्स लाइक हॉट चॉकलेट, इट्स नाइस, इट्स लाइक हॉट चॉकलेट। कॉफी का बहुत टेस्ट आ रहा है डोमिनेंट।
चुप कर जाओ। इसको इसको अगर जब तक इसका गला जले ना ना वो करवाहट से इसको मजा ही नहीं आता। हाँ। और हर कोई तुम्हारी तरह तो नहीं होता, हम नॉर्मल हैं। चलो गाइस लेट्स गो, वी शॉर्ट ऑन टाइम। हमारा सबसे पहला स्टॉप है प्राइमार्क। प्राइमार्क से हमें लेना एक सूटकेस बिकॉज सामान बहुत ज्यादा होता है यार। ये साइज नहीं समझ आ रहा किस साइज का लें। क्या कपड़े वाला ले? कपड़े वाला? लेकिन हाँ। कपड़े वाले की दोनों साइड पे नहीं होगा इसकी दोनों, बट देन साइज तो सेम है। ये डीप ज्यादा होगा। कपड़े वाले का ये फायदा है कि नहीं एक्चुअली ये ज्यादा सपोर्टिव नहीं होगा यार। इसकी ये ना ये एजेस टूट जाते हैं हार्ड के। कपड़े वाला इतना सपोर्टिव नहीं होगा ना। किस चीज में? पिंक वन टू गाइस बड़ा क्यूट है लेकिन हम लेंगे नहीं। क्या साइज में? दोनों स्मॉल हार्ड के से ले लेते हैं। पिंक गंदा हो जाएगा। हां क्या प्राइस है यार? 45। कोई भी प्राइस देख के ना हमेशा मेरा अंदर का कन्वर्जन कैलकुलेटर चल जाता है। 45 मल्टीप्लाइड बाय 400। गाइस सूटकेस लेके हम फारिग हो गए हैं। अब जिसके लिए मैं इंतज़ार कर रहा था, जिसके लिए मैं इतना वेट कर रहा था और जहां मैं जाने के लिए इतना बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था वो है ये यार। If you guys live in Oldham, really need to try his donuts out here. Amazing donuts. और इतने fresh नहीं रहा नहीं है? अच्छा, he bakes fresh donuts for you. मतलब ऐसे पड़े नहीं होते। जब भी आप यहाँ पे आएंगे, आपको fresh देगा। तो यहीं पे बैठ के खाएंगे पहले। हाँ बेंच ढूंढ लो। चलो। वो मैकडॉनल्ड्स की बेंच है वैसे। मेरे से वेट नहीं होगा कि मैं ऑल द वे वापस जाऊँ। तू नहीं मुझे दे दो, सूटकेस मुझे दे दो। अब मैं खुद ही करूँ। हम यहीं पे बैठ के खाएंगे। वो देखो ये देखें गाइस। वाओ। बिल्कुल सही है यार। तू नहीं तुमसे बड़ा सूटकेस है। बाउंडलेस। को यहाँ पे खड़ा कराया कि मैं अपना डोनट यहाँ पे खा सकूँ। योर हाइनेस। जी। वेट करें। कर ही रहे हैं, काम ही है हमारा। अमेजिंग डोनट्स ऑफ माय लाइफ। कांटा तो दिया इसे। पकड़ा ये देखे। सॉफ्टी सॉफ्टी खाओ। फूड गैजम होगा अभी। He's gone. He's so good यार। वैसे ही हैं। He's not even replying. He's like, Are you gonna be sad to be leaving these donuts? Will you ever be would able you come to like any other donut? मैं ओल्डम वापस आऊँगा। Would you come to Oldham just to have these? Yeah. From Manchester? Yeah. फिर मुझे मिल गए कोई अच्छे donuts, फिर maybe not. But I think अभी तक तो कोई कंपैरिजन नहीं है। ऐसे तो like I don't know but आनिया ने सब जगह के खाए हैं। ब्लैकपूल के तो सबसे फेमस हैं। ब्लैकपूल के भी ऐसे नहीं। These other even those don't match up so I don't know. चार्ली है प्लेन और चार्ली है नो कंपैरिजन। चीट मील्स पे आया करेंगे यहाँ पे डोनट्स खाने। ठीक है तो ओल्डम वाला KFC है ये हलाल है। तो अनिया कह रही कि पाकिस्तानी KFC के आसपास भी कोई KFC नहीं आता। सो अब यहाँ पे हम कुछ स्पाइसी चिकन है वो ज़रा ले रहे हैं क्योंकि हमारी बेगम को चाहिए। तुमने क्या क्या लेना है? बस KFC खाना है जल्दी। वी आर गेटिंग वेरी लेट। चलो पाकिस्तानी KFC बेस्ट है वो जी है। हम लोगों ने जब लास्ट टाइम बहुत कंप्लेन की थी ना यहाँ की KFC की तो समवन सेड कि इनके विंग्स बिल्कुल पाकिस्तानी जैसे होते हैं तो हम आज वो ट्राई कर रहे हैं। लग तो रहे हैं। लग रहे हैं। चलो बताओ। Yes. Same? I like better. No, not bad. तो ज़्यादा oily है बट इनफ टू गेट यू थ्रू द क्रेविंग। मैं आपको ज़्यादा बेहतर रिव्यू दे सकता हूँ। ये रहा विंग। ओके पाकिस्तानी आई थिंक थोड़े ज़्यादा स्पाइसी और उसके स्पाइसी थोड़े ज़्यादा होते हैं, थोड़ा सा फ्लेवरफुल ज़्यादा होता है। अभी वापस आए और अभी देखते हैं कि लॉन्ड्री का हाल है। हम कपड़े छोड़ के गए थे वो है? ड्रायर। हमारा एक छोटा सा लॉन्ड्री रूम है यहाँ पे। आज मैंने कुछ दिन पहले बूट्स किया था और आज ही मैं बूट्स किया तो मैं एक चीज़ लेके आया। बेसिकली मेरा दोस्त डॉक्टर है, उसने मुझे बोला कि यार तुझे भी एलर्जिक राइनाइटिस है, मुझे भी है एंड वन थिंग जिसमें दवाई शवाई भी नहीं है, नेचुरल और नाक खुल जाती है क्योंकि मेरी नाक आधा टाइम बंद रहती है। सो यार ये एक है टेरीमार कंजेशन रिलीफ। ये अगर आपको मिल गया आई थिंक 10 या 15 pounds का था या 20 का होगा बट यार मेरी ज़िंदगी बदल गई। कोई मुझे राइनोसोन नहीं डालना पड़ा। मैं कोलोन स्प्रे लेता हूँ मेडिकेटेड ये सारी चीज़ें। सो बेसिकली दवाई नहीं जा रही। दिस इज़ ऑल लाइक 100% नेचुरल माइक्रो डिफ्यूज सी वाटर
एनरिच्ड विद कॉपर. अब मुझे नहीं पता साइंस क्या है, बट इट वर्क्स. हमारी पैकिंग हाफ है, ये भी पैकिंग की अपडेट है एंड द रूम इज मेस्ड अप. तो ये जो हम बैग्स हैं ये हम जरा निकाल रहे हैं, थोड़ी सी स्पेस बने एंड आई एम टेकिंग द ट्रैश आउट बिकॉज जो ट्रैश है उसकी वजह से बहुत स्पेस ऑक्यूपाई हो रही है बिकॉज ये कमरा बहुत छोटा है. ये ट्रैश बैग ये मैंने सनब्लॉक लगाई कोई टिंटेड छिंटेड किस्म की और मुझे अपना मुंह बहुत चिट्टा चिट्टा लग रहा है, अजीब सा. एंड अदर न्यूज़, मैं जितनी देर तैयार हो रहा था ना आ रहा था, अनिया बाहर गई, मैं सोच रहा था पता नहीं किसने बुलाया. तो हु केम बाय? शबाना. आई रियली वांटेड टू मीट यू, उसने बोला. मैंने कॉल की और अली ने उठाया. आई वाज लाइक शी वाज लाइक अ लिटिल, आई डोंट नो इफ आई वुड से स्टारस्ट्रक और व्हाट, देन शी वाज लाइक oh, like she really liked that she was talking to you, and yeah. she was like, she was also scared because you were rude to her. Yeah. When was I rude to her? You don't have a friendly vibe. क्या मतलब यार? मैं कब rude था? You don't have a friendly voice. Guys, आप लोग बताएं मेरी आवाज़ ऐसी, and Shabana, I'm sorry. मेरी मतलब आवाज़ ऐसी है जैसे मैं वीडियोस में बोलता हूँ, so I don't know, मतलब पता okay, नहीं यार. She didn't say you were rude. Then she was just a little yeah. So Shabana, thank you so much. She brought something for us. हम बस निकल ही रहे थे ओल्डम से, so she got something for me, Anya and Tonio. ये तुम्हारे वाला? तुमने निकाल भी लिया? वो यार अभी पैकिंग किया. अनिया का है, वो Tonio का था. And this was for me. And thank you so much for this, Shabana. And Faisal bhai. And please don't be intimidated by me. मैं बड़ा मासूम, प्यारा, शरीफ सा बच्चा हूँ. I'm not intimidating at all. आप मेरे साथ आके मिलें. ये पीछे से ये मुझे ये जो लाफ थी ना मुझे अच्छी नहीं लगी. अगर आप मिलें मुझे इन पर्सन, आई एम अ वेरी नाइस यो गाय. 2 मिनट में 50 ग्राम प्रोटीन अंदर. सो कन्वीनियंट यार. तुम एज इट इज़ वो उठा के ले आए कपड़े ड्रायर से. टोकरी में मैंने बोला था साथ में डाल के लाना, टोकरी में मारी थी जी. टोकरी भूल गया था, ड्रायर से कपड़े लेने गया था. हम जरा संतो आप सोच रहे थे कि कैसे जाएं, ट्रेन पे जाएं, गाड़ी कराएं, क्या कराएं, बिकॉज ट्रेन पे तो इतना वाइबल है नहीं. सारा सामान है, ये Tonio का बैग है और ये बाकी सारा हमारा सामान है. एक सूटकेस, दो, तीन, और ये दो छोटे हैंड कैरी एंड ये कुछ एक्स्ट्रा लगेज है जो अनिया ने ओवर द टाइम इकट्ठा किया था. ऊपर से गर्मी बहुत लग रही है बिकॉज गर्मी भी है और ये हुडी भी मैंने पहन लिया है क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है. सर्दी नहीं है, मौसम बेहतर है. हाँ तुम्हें दे दूँ, दे दो बट ऐसी रियलाइज किया कि ट्रेन में तो सामान आएगा नहीं, तो फिर हम एक काम करते हैं कि हम एक प्राइवेट गाड़ी हायर कर लेते हैं. सो हम स्कंथोप जा रहे हैं इसके अंदर एंड फाइनली हमारा सामान आ ही गया. सो ये 4 बड़े सूट केस, 3 हैंड कैरी एंड बाकी सामान जो है पिछली सीट पे आएगा. आई थिंक गेटिंग अ कैब वाज अ वेरी गुड आइडिया क्योंकि जितना सामान था ट्रेन में कुछ बुखार हो जाता है. और यार इनका मोटर भी बड़ा प्यारा है, वो विंड मिल है वहाँ पे, यहाँ का रोड है सो हरा भरा. तो हमारा मोटरवे भी सेम ही है, मतलब हमारा मोटरवे भी कम नहीं है. सेम है, और मोटरवे लुक्स नथिंग लाइक दिस. यहाँ पे एक छोटा सा मसला ये भी है कि हर चीज की ना कन्वर्जन करनी पड़ती है. सो स्पीड भी किलोमीटर में नहीं होती, माइल्स में होती है, तो फिर उसका भी कन्वर्टर ऑन करना पड़ता है माइंड में. ये देखिए विंड मिल्स कितनी प्यारी लगती है, मैं हर एक छोटा मौका ढूंढ रहा हूँ. ये देखिए कितनी प्यारी लगती है, एक एक छोटा छोटा मौका ढूंढ रहा हूँ आप लोगों को हर एक चीज दिखाने का. मतलब मैं जैसे फैसिनेट हो रहा हूँ ना, कैसे यूज हो रहा हूँ. मैं चाह रहा हूँ कि आप भी देखें, आप भी इतना ही एंजॉय करें जितना मैं कर रहा हूँ. आधा रास्ता तो मैंने सो के एंजॉय किया, आधा नहीं पूरा, पूरा ही ऑलमोस्ट. देखिए स्कंथोप भी आ गया है, स्कंथोप का रास्ता है. ओनली 8 मिनट्स. सो गाइस फाइनली हम स्कंथोप पहुँच गए हैं. अब जरा जो सामान वगैरह था जो हमने ओवरलोड किया था उसको ज़रा अनलोड करें. अच्छा गाइस मैनचेस्टर से यहाँ आके ना एक बड़ा एक विजिबल डिफरेंस सबसे ज़्यादा जो मुझे देखने को लग रहा है ना, वो लग रहा है दिस इज़ वे मोर ग्रीन. और अगर मैं आपको सही तरीके की एग्जाम्पल दूँ ना एज अ पाकिस्तानी, तो इसकी एग्जाम्पल ये बनती है दिस इज़ अ मच मोर ग्रीनर इस्लामाबाद. इस्लामाबाद से कंपेयर हो सकता है कि ये देखें, ये जैसे ग्रीन 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 हर जगह ग्रीन. अंदर चलते हैं, यहाँ से बाहर आए. ओ हो क्या मज़ा है यार बाहर आके, क्या फीलिंग है ये, क्या फ्रेश डाइनिंग रूम से है वो. हाँ गाइस ये खेत भी काटना पड़ेगा. मैं जरा चेक करता हूँ कि लॉन मोअर पड़ा है कि नहीं, फिर इसको भी काटते हैं. और जरा लॉन मोअर पड़े? हाँ लॉन मोअर है, तुमने करनी है. हाँ यार ये इतने बड़े लॉन देख के ना मेरे दिमाग में तो एक ही चीज़ आती है कि यार ब्रूनो होता तो ब्रूनो को कितना मज़ा आता. आराम से छोड़ देता, खुला बैठा रहता,
और वो पागल हो जाता है, और ऊपर से ये मौसम तो उसका सबसे ज्यादा फेवरेट है। बोलिए उनके छोटे कमरे में रह रहे थे जैसे सो रहे या जब थक गए अपने ही बैकयार्ड में आके वी कैन ब्रीद। अच्छा वहाँ पे जब हमने लोगों को बताया ना कि हम लिंकनशायर जा रहे हैं, स्कंथोप जा रहे हैं, तो वैसे तरह स्कंथोप लिंकनशायर व्हाई यू डोंट लाइक ओल्डम। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मतलब जितना यार ऐसे किया था नो उसके हिसाब से तो यार बहुत अच्छा है। लाइक आई रियली लाइक दिस प्लेस, मतलब बहुत काम, बहुत कोजी, आराम से सुकून वाली जगह है। मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ जिसको देख के मुझे इतनी खुशी हुई है ना, जब से मैं यूके आया हूँ मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। वो है इसकी खुशी यार, मुस्लिम शावर। ओह माय गॉड यार, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि मैंने मुस्लिम शावर को कितना मिस किया था यार। मतलब लोटे वाले लोग नहीं है भाई, मुस्लिम शावर ऑल द वे। दीस आर सो गुड, इट्स लाइक क्रैक। सीरियसली सीरियसली ट्राई करो, देखो शबाना ये लोग पागल हो गए, इन लोगों ने ब्राउनी खाई है एंड दे लाइक दिस इज सो गुड ट्राई इट आउट। आई एम लाइक मैंने ट्राई नहीं की पहले। डैम सो गुड यार, माने दिस इज अमेजिंग। चलो वैसे इसको चलो हम जरा बाहर जा रहे हैं, बाहर जरा वॉक शॉप करें। हम यहाँ पे पास टेस्को है, सेंसबरी है और कुछ शॉप शॉप है, तो भी हमें नज़र आएगा, हम वहाँ पे जा रहे हैं क्योंकि 10 बजे बंद हो जाएगा और अभी 9 बज रहे हैं, सो घंटा है और उसके बाद वैसे ही सब डेड होगा। यार मुझे नेबरहुड इतना प्यारा लग रहा है ना, ग्रीन ग्रीन वाकई इतना क्यूट क्यूट और कोजी कोजी सा है। ओल्डम भी इज़ वेरी नाइस, बट ओल्डम में हमारे जो कमरा है ना और जो बेसिकली हमारा अपार्टमेंट था वो इतना मज़े का नहीं था। उसका प्रॉब्लम ये था कि वो बहुत ज़्यादा, एक तो छोटा था और कमरे बहुत छोटे, तो हम बहुत ज़्यादा मतलब वापस आते आते ना हम तंग आ जाते थे। यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है यार, एक तो इस्लामाबाद फील्स आ रही है कि मतलब आप इस्लामाबाद की गलियों में ऐसी वॉक करते हैं। हाँ इतना ग्रीन नहीं है इस्लामाबाद, इस्लामाबाद भी ग्रीन है, तो इस्लामाबाद से इसको तशबीह दे सकते हैं। एंड यार फील सो गुड सो कोजी, देखें लाल लाल घर नजर आ रहे हैं, इतनी हरियाली गाँव में मिलती है यार। मोटे कबूतर से यार ये देखिए, ये देखिए यार इतने गुपलू गुपलू बॉडी शेमिंग कबूतर। गाइस हम फाइनली सेंसबरी पहुंच गए एंड सर्दी थोड़ी ज्यादा स्टार्ट हो गई है। यू हैव माय हुडी एंड गाइस ये सेंसबरी रहा, ये सेंसबरी रहा। आप लोगों को मैं ऐसे ही इंट्रोडक्शन दूंगा, ये सेंसबरी है, ये टेस्को है, ये देखें ये है। सेंसबरी से हम फारिग हो गए और हमने जो सौदा वौदा लेना था हमने ले लिया और कुछ ज़्यादा ही है। सेंसबरी में मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका क्योंकि भाई ये हथौड़े जितना जो कैमरा है ना उसे सब रोक लेते हैं। मेन वैल यार ये जो गली है इतनी स्पूकी लग रही है ना, आपने राज देखी मूवी, एक बिपाशा बासु की एक मूवी थी उसका सीन लग रहा है। और ये आपको दिखाता हूँ, देखिए वो याद है वो प्रोफेसर होता है, वो लाल मिर्चें वो लीमू, ये देखें थोड़ी हॉरर मूवी का सीन लग रहा है। सर यू नीड हेल्प सर? यस मैडम। नाइस सर, मुझे ओ ये नहीं ये नहीं फटने वाला था वैसे शॉप पर, बड़े वाले बैग तो देते यार पंजाब कैश एंड कैरी और डिवॉर्सन वाले भी कपड़े वाले देते हैं, फटते नहीं है दे यार। यहाँ पे सरप्राइजिंगली उतनी सर्दी नहीं लग रही क्योंकि यहाँ पे हवा नहीं थी चलती, और इसके पास मेरा हुडी है। Well, तुमने मुझे दी थी जब तुम्हें गर्मी लग रही थी, ऐसे कन्वीनियंस से नहीं हो, कन्वीनियंस से ही होता है। नहीं तो मैं जब जब सर्दी लग रही है बहुत। तुम्हारा तुम्हारा हुडी कहाँ है? मेरा पैकिंग में था यार, इसको तो बंद करें। क्या कह रही हो? चलो मुझे भी दो। कितना मजा आ रहा है, किचन इतना बड़ा हो कि वरना कमरे के दो पतीलों को हम किचन कहते थे। कसम से यार गाइस इतना किचन होता था, यहाँ से लेकर इतना ये दो चूल्हों को हम किचन कहते थे। नहीं तुमने कौन सी कुकिंग करनी है, तुमने सिर्फ रेडी टू ईट खाने को गर्म करना है, दैट्स इट। इट्स नॉट रेडी टू ईट, इट्स रेडी टू ईट। सॉस लाई हो? कौन सा सॉस? जो पास्ता में डालेगी तो फिर रेडी टू ईट। हैपन टू द वो मजाक, मैंने तुम्हें पास्ता बना के एक दफा खिलाया था। एक्सक्यूज मी वो बहुत बुरा था अली। कोई नहीं, तुम्हें पास्ता बना के दिया था? पास्ता बाला उसमें सॉस डाली, उसके ऊपर चिकन ग्रेवी। कौन सी सॉस डाली? मैरिनारा की पास्ता सॉस। और उसके बाद सलमान गंदा हुआ ना तो उसका चिकन ग्रेवी डाल दी। हम सेंसबरी से जो चीजें लेके आए थे मैंने सोचा आप लोगों को दिखाते हैं कि हमारा जो ग्रोसरी हॉल था मतलब काफी ज्यादा हमने चीजें ली। देखें ये कुछ चार बड़े बड़े थैले हैं ये हमने लिए। ये बड़ी सी तुनियो साथ बैठी है। सबसे पहले इन्होंने जाते साथ ही अपना ये पॉड्स के लिए ये लिया। मैंने कहा यार ये नेस्प्रेसो तो हम लेके जा रहे हैं, उन्होंने बोला कि खैर है कोई बात नहीं, यहाँ पे एस्थेटिक है पड़ा रहेगा कुछ मतलब डाल लेंगे इसके अंदर। हाँ, डिशवॉशर पॉड्स डाल। अच्छा अब दिखाते हैं ग्रोसरी हॉल। जी ग्रोसरी हॉल ये है। सबसे पहले आई गॉट दीज प्लांट बेस्ड चिकन नगेट्स cuz आई वांटेड टू ट्राई। वी हैव बेसिल एंड पाइन नट, बेसिल एंड पाइन नट रैवियोली जो कि हम लोग अभी बना के खाने वाले हैं। और हम जिन्होंने मेरे ब्लॉग देखे उनको तो पता होगा आवर फेवरेट हलूमी फ्राइज।
ठीक है ना। फिर मम्मा को नहीं, मम्मा को मक्खन चाहिए था, मक्खन पास्ता सॉस जो हम लोग अभी इसमें डालेंगे। वी हैव रेड चीज़, वी हैव नैंडोज की पेरनेज, आई हैव नो आइडिया मैंने वीगन वाली क्यों ले ली है। वी हैव कैरमल सॉस फॉर आर कॉफी। We have sparkling waters because I. यार sparkling water is the game changer. और ऊपर से इतना सस्ता है यार। और ये मेरी बीवी पानी पी। यार मेरी बीवी नहीं पीते ना पानी, उसके लिए फिर ये sparkling water हमें लाना पड़ता है। ये बड़ी fancy हो तुम। ये तो हमने आपको जो दिखाएंगे तो चीजें बस हम बना रहे हैं अभी। We have chips for our movie night today. We have Ali wanted to buy sweet potato rice. We have Tunio ka basmati chawal. Ab kya hamare paas? Lactose free milk. Okay. My favorite cheese and broccoli pasta. Yahan pe nazar aayega ye pasta sauce. Acha phir hai bread. Double roti. And Tunio got dal makhni. Halal hai. Halal. Dal mein kya halal nahi hoga? Pata nahi yaar, hoti hai na like kafi log bolte hain. Also namak. Yeah, and this is basmati rice. Aur ye pake hue hain basically. Dishwasher pods. कपड़े धोने बर्तन धोने और कपड़े धोने ये वाले पॉट्स एंड वी हैव वॉफल फ्राइज एंड और वी हैव मोर चिप्स। चिप्स ये हमने रात को सोचा वो मूवी नाइट रानी मुखर्जी की वो आई थी नॉर्वे वर्सेस चैटर्जी, मैंने वो देखेंगे। वी हैव पॉपकॉर्न एंड वी हैव हाइनीज मेयो एंड ये ये बेबी कोक जो अली को। यार ये इतनी क्यूट है गाइस, ये देखें ये मेरा हाथ देखें छोटी सी। और ये मैंने ना घर पे ये पाकिस्तान में मिलती है बट मेरा कभी जमीर नहीं माना 400-500 रुपए की लेने के लिए। यार ये कितने की थी? 60 पेंस की। अब वो यहाँ पे तो कम लगते हैं ना, तो जूटू सी यार कितनी क्यूट है, बिस्किट लग रही है। We have hand cream. We have mozzarella bites. Mozzarella? ये अनिया फट गया नीचे से। ये देखिए। And we have more halloumi fries. और बर्फ भी ली थी हमने, बर्फ मैंने रख दी अंदर। वो हमारी आते हुए थोड़ी सी मेरे ख्याल से पिघल गई है। सही थी, मैट ही हुई। अंडे। अंडे। यार प्यारे अंडे लग रहे हैं। Noodles. ये मुझे ऐसे लग रहे हैं देसी अंडे नहीं है। I think these are देसी अंडे। उसका पास्ता जो है वो उलट गया थोड़ा सा, मतलब ऐसे थोड़ा वो ओवर वो हो गया। अच्छा ये बारबेक्यू फ्लेवर बीफ नूडल्स एंड सुपर नूडल्स एंड अनिया यही है, ये और भी है? बस वो मैंने बर्फ रख दी थी। हाँ ये नहीं, बैग में कुछ और भी है। और नहीं खाली है, ख़त्म, शुक्र है। लाइक मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा जितनी देर ये शॉपिंग हो रही थी आज लाइक हम क्या क्या ले रहे हैं और कितनी चीजें हमें और लेनी है। अभी तो फिर काम की चीजें आई हैं, सही है, आंटी वाले भी आ रहे हैं। जब हम तुम्हारे पहले दिन सिर्फ चप्पल लेने गए थे तुमने 10 कितनी और चीजें खरीद ली। यार मैंने तो मैंने नहीं ली थी, अनिया ने ली थी। नहीं थी तुमने ली थी अनिया? पहला दिन था मेरा और मुझे बड़ा मैं फैसिनेट हो रहा था और मुझे देखना था कि क्या क्या चीजें, तो मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था। तो बस वो थोड़ी सी चीजें, लेकिन वो सारी चीजें मैं यूज कर रहा हूँ अभी भी, ऐसा मैंने वेस्ट कुछ नहीं किया। ये इसकी रेवियोली कहाँ पे पहुंची तुम्हारी रेवियोली? अनिया खाएगा कौन इतनी? हम कौन? इसमें चिकन विकन नहीं डलेगा? इसमें भी सॉस डालोगी तुम कोई? नहीं ऐसे ड्राई खाएंगे। हाँ पता भी नहीं, फ्रोजन खाना खिला रही है मुझे तब से। What? इतने ना शुक्रे, उस 2x2 के कमरे में भी किसी तरह मैनेज करती है, तुम्हारे लिए खाने बना रही थी। सुनियो नहीं बना रही। हम खाना बाहर से खा रहे थे, दिन में मैं वो प्रोटीन पाउच वाला दही खा रहा था। That was all. हाँ साथ ही लेके आए थे। हाँ तो लेकर क्यों, कौन गया? तो मैं तो ट्रैम भी नहीं आती थी। वाओ नहीं यार इतनी प्यारी बीवी है मेरी, देखो। नहीं नहीं exactly appreciate। नहीं इतनी प्यारी है, प्यारी है। ये क्या कितना सॉस डाल है? और तुम भी appreciate करो। बर्तन मैंने कौन सा? उसने उसे बोल रही हूँ यार। हाँ sorry हाँ appreciate करो। हमें जब हम अकेला टाइम चाहिए होता है, हमें यहाँ पे अगर अकेले बैठना होता है तो तू नहीं चली जाती है, मतलब ऐसा कोई मसला नहीं है।
मतलब हम बड़े अंडरस्टैंडिंग लोग हैं यार, पता नहीं लोग इतना वो मतलब टिपिकल ना हो यार, मतलब ब्रॉड माइंडेड। अपने बैग से ना लैपटॉप निकाल रहा था तो इतनी देर में मैंने देखा, मैंने कहा यार ये आइस ट्रे किसने डाली है मेरे बैग में? We're not gonna leave our ice tray ना छोड़ती मैं, ओके? इतनी अच्छी थी ये, शायद मुझे छोड़ा थी वहां पे, आइस ट्रे ना छोड़ती। थैंक्स गाइस। ये अनियन ने जो रैवियोली बनाई है ये जरा खाते हैं आराम से लाउंज में बैठ के चिलिंग करके। और यहाँ पे मूवी लगाई है नॉर्वे वर्सेस चैटर्जी। अच्छा है ना? अभी मैंने ट्राई नहीं किया। तुमने ट्राई किया अनिया खुद? नहीं। ट्राई करते हैं रैवियोली। अनिया ये रैवियोली का हलवा बना हुआ थोड़ा ऊपर, अमेजिंग रैवियोली, बेस्ट इन द वर्ल्ड। ट्राई करते हैं। आगे कर दो ना, अभी वैसे ही वो बातें क्या हुआ। नहीं नहीं बहुत मजे किया पापू, मजे का ना। अनिया क्या है आपका? पाइन नट्स। चिकन वगैरह का है? चिकन नहीं है, इट्स अ वीगन मील। हमने भी अभी खत्म किए नॉर्वे वर्सेस मिसेस चैटर्जी एंड इमोशनल अमेजिंग मेरी जिंदगी की तौबा में कभी तूनिया के साथ मूवी देखो यार। मतलब मैं और अनिया बैठे, आनिया जो मुझे लगता है कि क्या है सही थी यार। ये देखिए शुरू में बोला था, उसके अलावा आनिया लिसन करके पूरी बात करके जा तो इतना इसने इतना इसने तंग किया यार मूवी में, इतना तंग किया। मैं तू नहीं, तुम्हारे साथ कभी मूवी नहीं देख रहा। शी सेज आई लाइक वाचिंग मूवीज। आई एम नेवर एवर एवर इन माय लाइफ वाचिंग मूवी। वी हैव वॉच्ड मूवीज टुगेदर, स्टॉप बीइंग सो ड्रामेटिक। मैंने आधा मूवी का टाइम गाइस ऐसे, आप सोचें ये आवाज आपको बार बार आ रही हो मूवी देखते हुए, आपका दिल करेगा मैं सर पकड़ के बैठ जाऊं और मूवी जो भी चल रही है ना मैं बंद कर दूं। मुझे नहीं देख रही भाई मूवी, बस हो गई। आन्या व्हाट? आन्या कम टेल पीपल आई वाज परफेक्टली फाइन। तुम्हारा मसला चल रहा था, तुम क्राइंग कर रहे थे फालतू में, ओवर एग्जैजरेटर। खैर गाइस अब जरा सब वाइंड अप करके हम जा रहे हैं सोने, बिकॉज हमारी सुबह तकरीबन, सुबह नहीं एक्चुअली दोपहर को 12 बजे की ट्रेन है लंदन के लिए, और हम तकरीबन 3 बजे पहुंचेंगे। फिर उसके बाद जरा लंदन में चिलिंग्स करते हैं एंड नॉट कमिंग स्लो, हम जरा फिर ही जा रहे हैं। तो आपसे मुलाकात होती है कल एक नई वीडियो में, एक नए व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलता है अगली वीडियो में। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।